श्यामली नगर पालिका और किराना बस स्टैंड पर स्थित दुकानदारों के बीच चल रहे भूमि विवाद का मामला रविवार को एक फिर से गर्मा गया। रविवार को जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और जिला प्रशासन के बीच वार्ता हुई, जिसमें किराना बस स्टैंड को किराना रोड स्थित नगर पालिका की भूमि पर ही स्थानांतरित करने का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन दुकानदारों द्वारा किए जा रहे साफ सफाई अभियान को पुलिस द्वारा अचानक बीच में रोक दिए जाने से हंगामा खड़ा हो गया। सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों व बस संचालकों ने नगर पालिका चेयरमैन अंजना बंसल के आवास पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने जमकर चेयरमैन मुर्दाबाद के नारे लगाए और इस बात को लेकर के चेयरमैन पति की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से जमकर तीखी नोकझोंक हो गई। श्यामली शहर के बीचों बीच नगर पालिका की भूमि पर किराना बस स्टैंड लगभग 25 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, जिसमें लगभग 185 लोगों द्वारा खोखे व अस्थायी दुकानें बनाकर व्यापार किया जा रहा था। जिनजाना किराना उन बिडोली के लिए भी यहीं से प्राइवेट बसों का संचालन हो रहा था। बताया जाता है कि नगर पालिका द्वारा जमीन को खाली कराए जाने के लिए याचिका दायर की गई। मुकदमा जीतने के बाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा सभी दुकानदारों व बस मालिकों को 21 अक्टूबर रविवार को बस स्टैंड को खाली किए जाने का नोटिस दिया गया, जिसके बाद अपने परिवार की आजीविका चला रहे दुकानदारों में रोष फैल गया और बेरोजगार होने की आशंका के चलते भूमि को खाली करा। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और नगर अध्यक्ष से भूमि न खाली कराए जाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस आश्वासन न दिए जाने के कारण दुकानदारों में मायूसी पनप रही। दुकानदारों ने SDM को ज्ञापन देकर चेतावनी भी दी थी कि यदि दुकानों को जबरन खाली कराया जाने का प्रयास किया गया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दुकानदारों द्वारा मामला पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान के समक्ष रखा गया। बताया जाता है कि मनीष चौहान ने इस संबंध में जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से देर रात मैराथन वार्ता की, जिसके बाद सहमति बनी कि दुकानदारों को किराना रोड स्थित नगर पालिका की 14 बीघा जमीन पर अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे कि वह अपनी आजीविका चला सके। रविवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान सैकड़ों दुकानदारों बस चालकों ऑपरेटरों आदि के साथ नगर पालिका की किराना रोड स्थित भूमि पर पहुंचे और स्वयं अपने खर्चे से भूमि पर पड़े कचरे को JVC मशीन से उठवाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन अचानक कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्य बंद करा दिए जाने से दुकानदारों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने जहां नगर पालिका व दुकानदारों के बीच वार्ता न होने तक कार्य बंद करने के निर्देश दिए हैं, वहीं सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों तथा बस संचालकों ने नगर पालिका चेयरमैन अंजना बंसल के आवास पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया, लेकिन मामले में कोई हल नहीं निकल सका, जिससे दुकानदारों में रोष बना हुआ है। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान भी वहां मौजूद थे। चेयरमैन पति राजेश बंसल ने मनीष चौहान पर जबरन हंगामा करने का आरोप लगाते हुए दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस मामले को लेकर चेयरमैन पति राजेश्वर बंसल ने कुछ लोगों के खिलाफ शामली कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर बस यूनियन अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, बिट्टू प्रधान धनेना, राशिद अली चौहान, सुरेंद्र लाल, यशपाल सिंह वे अन्य मौजूद रहे। जी, और कोई मतलब नहीं, मेरा वास्ता नहीं, कोई जमीन है, दजूल की लैंड है, उसको मुकदमा जीती है गवर्नमेंट, वो मुकदमा वो जगह खाली कराना चाहती है उनसे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आज जाके इन्होंने कुछ जमीन पे नगर पालिका की जमीन पे कब्जा करना चाहा जी, मनीष चौहान ने कुछ आदमी को ले जाके जी, इनका कहना यह है कि मुझे ADM साहब ने कहा था तुम उस पर कब्जा करो जी, तो मैंने कहा भाई तुम उसको गलत कब्जा कर रहे हो, मैंने FIR भी करा रखी, तो लेकिन ये कह रहे कि हमें तो उस पर हाई कोर्ट का स्टे था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ इन्होंने 2-3 JCB लगाए कब्जा करना चाहा जी, तो मैंने ADM को भी बता दिया था, DM को भी बता दिया था, कमिश्नर साहब के यहाँ भी फैक्स भेज दिया था
और सबके यहाँ बता दिया था कि भाई ये गलत तरीका हो रहा है नगर पालिका की जमीन।